Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेरे जिस जान ले। दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ प्रिंटर का प्रॉब्लम दोस्तों, ठीक है। मेरे सामने है दोस्तों यहाँ पर कैनन का प्रिंटर, कैनन का EMF 241D यहाँ पर प्रिंटर है। इस प्रिंटर में दोस्तों यहाँ पर पेपर जैम और नो कार्टिज इज इंसर्ट प्रेस, यहाँ पर इस तरह का एरर आ रहा है दोस्तों। इसका इलाज क्या होगा और इस यहाँ पर सिंपल सा प्रॉब्लम है और सिंपल तरीके से यहाँ पर किस तरह का एरर होता है और यहाँ पर कैसे इसका सॉल्व करते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, बिल्कुल छोटा और नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्रिंटर, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह का एरर आ रहा है। ये देखिए, चेक प्लीज चेक पेपर जाम और नो कार्टिज इज इंसर्ट प्रेस, यहाँ पर इस तरह का सिग्नल दिखा रहा है और यहाँ पर इसका मतलब होता है ये वाला की। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह का दिखाता है लेफ्ट कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का दिखाता है, ये दबा फिर इस तरह से, फिर इस तरह का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इसको ओपन करो और यहाँ पर पेपर है उसको निकालो, इस तरह का यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिखने में यहाँ पर कोई यहाँ पर पेपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ पे भी पेपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर ने इस तरह का मैसेज दे रहा है, पेपर जाम का सीन दिखा रहा है। ये देखिए, मैंने फिर से यहाँ पर ऑन कर दिया, यहाँ पर एक बार टर्न ऑफ करता हूँ, टर्न ऑफ करने के बाद फिर यहाँ से ऑन करता हूँ और यहाँ पर क्या एरर दिखाता है। ये देखिए, फिर से सेम एरर दिखा रहा है। लेकिन इस तरह का एरर आने में दोस्तों, यहाँ पर इसका जो फ्यूज़र यूनिट है, फ्यूज़र रोलर है और यहाँ पर फ्यूज़र पेपर भी है और यहाँ पर होता है और पेपर का सेंसर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत होने के बाद यहाँ पर इस तरह का एरर सिग्नल आता है और एरर मैसेज आता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पेपर है कि नहीं है। यहाँ पर इसको यहाँ पर ये वाला लॉक है, इसको दबाने के बाद इसको अपनी तरफ से खींचना होगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, मैंने खींच लिया और इसे छाड़ दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखने ये इतने करने के बाद यहाँ पर वाइट कलर का पेपर दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पेपर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इस पेपर को हम किस तरह से निकालें, इसको निकालने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली इस तरह से इसको हम करते हैं और इसको हम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको निकालेंगे और ये देखिए, इस तरह से हम इसको निकाल दिया, इस तरह से हम रिमूव कर दिया। यहाँ पर प्रिंट भी बहुत क्लियर है, अच्छा है। तो दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम आने के बाद दोस्तों, हम इसको करना क्या होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, इसका जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को ऑयलिंग कर देना। और यहाँ पर दूसरी बात होता है कि यहाँ पर पेपर को भी हम ख्याल में रखना होगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा पतला पेपर होगा तो इस तरह का एरर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अब सिंपली दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं अच्छी तरह का, अच्छी क्वालिटी का पेपर और 75 GSM का पेपर डाल के मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इसमें दिक्कत आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए, हमारा प्रिंटर बिल्कुल चालू हो चुका है, देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ये देखिए, और ये देखिए, और एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाता है। ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, कार्टिज CRT.COMM.ERROR काउंटर फेट और नॉन कैन कार्टिज मे बी इन यूज क्लोज प्रेस, ओके। इस तरह का यहाँ पे एरर आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का एरर क्यों आता है, ठीक है। और यहाँ पर ओके बटन दबाने के बाद ही यहाँ पर फिर से यहाँ पर बिल्कुल हमारा प्रिंटर नॉर्मल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, हमारा प्रिंटर फिर से नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर, और ऊपर का तरफ से वो एरर दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर चेक, यहाँ पर दिखाता है रिपोर्ट, ये देखिए कि नॉन कैनन कार्टिज, यहाँ पर इस तरह का एरर दिखाता है। तो दोस्तों, इस तरह का एरर क्यों होता है कि दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कार्टिज कंपैटिबल कार्टिज है, बिल्कुल जेन्युइन कार्टिज नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर लिख रहा है बेस्ट टोन, ठीक है।
ये कंपेटिबल कार्टिज है, और जो इसका ये वाला चिप होता है कार्टिज चिप, इसको डिटेक्ट नहीं करने के बाद यहाँ पर ये अच्छी तरह का नहीं होने के बाद यहाँ पर ये एरर आता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ओके बटन करने के बाद, ओके बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रिंटर चालू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ पेपर डालने के बाद यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ। ये देखिए पेपर डाल दिया, पेपर डालने के बाद ये देखिए इस तरह का एरर जब आएगा तो यहाँ पर ओके प्रेस कर देना दोस्तों। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर पेपर जाम होगा ही नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह का पेपर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं रखने के बाद यहाँ पर इस तरह का है, खाली ही ब्लैंक है, इसीलिए यहाँ पर मैं ओनली वन पेपर जाम का टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों, यहाँ पर पेपर जाम को हम किस तरह से रिमूव करते हैं मैं आपको दिखा दिया। तो दोस्तों अब हमारा जितने भी वीडियोज़ है सभी में बने रहना, और प्रिंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है हमारे चैनल में मिल जाएगा, और आपका आपके लिए मैं सब कुछ कोशिश करूँगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्त के साथ भी शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber.